नमस्कार, मैं राहुल पटेल। नेशनल इलेक्शन रिजल्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पूरे देश की, आखिर क्या कुछ हो रहा है देश में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से एग्जिट पोल में साफ बताया गया था कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वैसे परिणामों में देखने को मिला। सुबह से भारतीय जनता पार्टी ने और उनके घटक दलों ने लीड बनाए रखी है। अभी मैं आपको पूरे देश का सूरत हाल बताने जा रहा हूँ और वो भी बताऊँगा कि आखिर किन किन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, कहाँ कहाँ अन्य पार्टियों ने खाता नहीं खोल पाए हैं और कहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से पूरे देश में अलग अलग राउंड्स की गिनती शुरू हो गई है और करीब कहीं चौथा, कहीं पांचवा, तो कहीं छठे राउंड की जो गिनतियां हैं वो खत्म हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, एक चौंकाने आंकड़े वाले आंकड़े नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका सभी को पहले से ही इल्म था, जानकारी थी कि एक बार फिर प्रधानमंत्री देश की सत्ता पर काबिज होंगे। नरेंद्र मोदी की लहर और उसके बाद फिर इस बार के चुनाव में 2019 में सुनामी देखने को मिली। जी हां, अभी तक जो रुझान के आंकड़े आ रहे हैं वो तो यही कुछ बयां कर रहे हैं कि एक बार फिर देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री मोदी काबिज होंगे। अभी हम बात करते हैं पूरे देश में क्या सूरत हाल रहा है। 542 सीटों पर अलग अलग जो रुझान आ रहे हैं उसमें जो देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर 293 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में। वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की जब साख दांव पे लगी थी, राहुल गांधी मात्र 55 सीटों पर आगे चल रहे हैं खुद के दम पर। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 293 सीटों पर, वहीं कांग्रेस 55 सीटों पर आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। वहीं अगर एनडीए घटक दलों की बात करें तो एनडीए 338 के साथ में प्रचंड बहुमत की तरफ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वो अभी शतक पूरा कर चुके हैं, यानी 100-101 के आंकड़े के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अदर की बात करें तो वो भी शतक के आंकड़े पर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों ही जो दोनों अदर है और कांग्रेस है, दोनों को मिलकर 200 सीट आ रही है। वहीं एनडीए की बात करें तो 338 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं रुझानों के हिसाब से बोल सकता हूं कि अब से कुछ चंद घंटों में ऐलान हो सकता है कि प्रधानमंत्री दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करें तो 5 में से 5 सीटें, मैं उन सीटों की, उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड लहर ने कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ कर दिया है विपक्ष का। तो सबसे पहले बात आती है उत्तराखंड की, यहाँ 5 में से 5 सीटें कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। बात करते हैं गुजरात की, प्रधानमंत्री का गृह राज्य, यहाँ 26 में से 26 सीटें अभी रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत ही तय करती है कि देश का अगला राजा कौन होगा, यानी देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यहाँ पर भी देखें तो महागठबंधन और तमाम तरह की अटकलें थी और कहा जा रहा था कि बुआ बबुआ की जोड़ी इस बार भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को सत्ता से दूर रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आंकड़ों की बात करें तो 50 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन करीब 22 सीटों पर आगे चल रहा है। ऐसे में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूपी की सियासत तो यही इशारा कर रही है कि एक बार फिर भगवा यानी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए नजर आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश से सटे बात बिहार की करते हैं तो एक कहावत पुराने जमाने में कही जाती थी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लालू जेल में है और जो बेटा पुत्रों की एक लड़ाई जो पूरे देखने को मिली, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ा, और सिर्फ उनको ही नहीं उठाना पड़ा, पूरे महागठबंधन को उठाना पड़ा, जहाँ की बहुत पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर JDU, BJP और लोजपा का जो गठबंधन है वो करीब 35 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी कुल मिलाकर 5 से 7 सीटों पर ही बाकी जो घटक दल कांग्रेस के साथ में वो बढ़त बनाए हुए। बढ़ते अगले राज्य की ओर तो एक अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब से है कांग्रेस के लिए, जहां पर यहां 9 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यानी
एक जो राज्य है पंजाब, वहां कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से, या यूं कहें कि उनकी जो गुड फेथ है, उन्होंने बीते दिनों कहा था, एक बड़ा बयान आया था कि इस बार अगर परिणाम अच्छे नहीं आए लोकसभा चुनाव में तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप में एक बड़े लीडर हैं और माना जाता है कि उनकी साख की वजह से ही पंजाब में कांग्रेस अपनी पंजे की पकड़ मजबूत कर पाई है। बढ़ते अगले राज्य की ओर, हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में कहा जाता है कि यहाँ पर जाटों का राज चलता है और जिस प्रकार जाट की संख्या ज्यादा है, बड़ा ही अहम फैक्टर होता है। यहाँ 11 में से तकरीबन 10 में से तकरीबन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस का यहाँ भी सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। बढ़ते हिमाचल की ओर, तो हिमाचल में से 4 में से 4 यानी क्लीन स्वीप होते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, 4 में से 4 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है। बढ़ते उत्तराखंड की ओर, देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि पर 12 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होती हुई जा रही है। और दिल्ली दिलवालों का शहर कहा जाता है, और कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ा ही सत्ता परिवर्तन किया था, लेकिन आम आदमी यहाँ पिछड़ता हुआ नजर आया, कहीं आंकड़ों में नजर नहीं आया। वहीं शीला दीक्षित एक बार फिर सियासत में एंट्री कर रही थी, लेकिन वो पीछे चल रही थी। वहीं गौतम गंभीर की बात करें तो जिस प्रकार से उन्होंने बैटिंग की, वैसे सियासी पिच पर भी बैटिंग करते हुए नजर आए, यानी आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली में भी एक बार फिर बाकी सारी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 7 में से 7 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है। वही बात करते हैं महाराष्ट्र की, मराठा लैंड कहा जाता है, और मराठा लैंड में यह माना जाता है कि बिना मराठाओं की समर्थन के कोई भी सत्ता नहीं बनती है, लेकिन इस बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दों को आगे बढ़ाया है, उसी में से निकल के आया कि 42 सीटों में से करीब 38 सीटों पर आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है, यानी साफ तौर पर देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर पूरे देश में प्रचंड चल रही है, लिहाजा अब कांग्रेस सत्ता से कोसों दूर होते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर मैं कह सकता हूँ जो शुरुआती आंकड़े हैं कम से कम वो तो इसी बात का इशारा करते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश भर की सबसे चर्चित सीटों की यदि बात करें तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी से 2500 मतों से आगे चल रही है। बड़ी अपडेट है, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है ये उस और इशारा है, क्योंकि लगातार अमेठी में स्मृति ईरानी जनसंपर्क लगाते दिख रही थी और कह रही थी कि अमेठी से कहे कि अमेठी की बेटी स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेगी। बहरहाल ये आंकड़े हैं, और जिस प्रकार से 4 राउंड की गिनती पूरी हुई है, 2500 मतों से स्मृति ईरानी आगे चल रही है। बढ़ते कुछ अगली सीटों की ओर, तो मध्य प्रदेश की राजनीति के सुपरस्टार ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे, यहां से केपी यादव आगे चल रहे। माना जाता था कि केपी यादव कभी किसी जमाने में सांसद प्रतिनिधि होते थे, लेकिन अब वो सांसद बनने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया छुट्टी मनाते हुए नजर आए, जिस प्रकार से वो अमेरिका में बीते दिनों दिखाई दिए थे। बढ़ते अगली सीट की ओर, तो देश की सबसे चर्चित सीटों में शुमार भोपाल की। जी हां, भोपाल की राजनीति पर देश की राजनीति टिकी हुई है, और कहा जाता है कि जिस ओर भोपाल की राजनीति जाएगी वो तय कर देगा कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। यहां भी हम बात करें तो एक दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा ठाकुर के बीच में चुनाव था, कहने को तो दो दिग्गजों का चुनाव था, लेकिन हम मानते हैं कि ये दो विचारधाराओं का चुनाव था। ये उन विचारधाराओं का चुनाव था, क्या हिंदुवाद की राजनीति आगे बढ़ेगी या फिर विकास की, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुवाद की राजनीति यहाँ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। बढ़ते इंदौर की ओर, तो इंदौर की हम बात करें तो पंकज संघवी पर लोगों ने भरोसा जताया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर ताई के बाद साई बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कन्हैया कुमार कहा जाता है कि एक विचारधारा है और ये विचारधारा आगे की सियासत तय करेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। गिरिराज सिंह जो राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं, राजनीति के माहिर भी कहे जाते हैं और नरेंद्र मोदी के खास कहे जाते हैं, गिरिराज सिंह एक बार फिर सत्ता की सियासत में सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो कुल मिलाकर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया की सुर्खियों में बनने वाले कन्हैया कुमार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यदि पूरे देश की सियासत, जहां पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही, या यूं कहें कि चंद घंटों के बाद एक आधिकारिक ऐलान होगा जिसमें वो देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने की ओर इशारा कर रही है, कांग्रेस के हाथ में निराशा लग रही है, और वहीं राहुल गांधी वायनाड सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन अमेठी में जो उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है वहां उन्हें कड़ी टक्कर अमेठी से देखने को मिल रही है। बात करें प्रधानमंत्री
मोदी की, तो वाराणसी और गांधीनगर अमित शाह की जो सीट है दोनों पर टक्कर चल रही है। आखिर कौन सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा? बहरहाल 1 लाख से अधिक वोटों से अगर बात करें अमित शाह लीड बनाए हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी 70,000 की लीड बनाए हुए। ये तमाम वो बड़ी सीटें थी, तमाम वो चेहरे थे, तमाम वो दावेदार थे जिन पर देश की सियासत इर्द गिर्द घूमती है। हम ऐसी ही अपडेट, देश भर की अपडेट आपको बताते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर कौन देश की सत्ता पर काबिज होगा, कौन कौन इसमें अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि आने वाले मतगणना के अलग अलग राउंड में बहुत कुछ तस्वीरें साफ होने वाली है। क्या इस पूरे पूरी पूरी पिक्चर में, मतगणना की पिक्चर में कोई टर्नआउट आएगा, कोई सस्पेंस आएगा, या फिर कोई टर्नआउट आएगा जिसमें कांग्रेस आगे निकलेगी? तमाम तरह की अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एमपी न्यूज पर, देखते रहिए नेशनल न्यूज रिकॉर्ड, नेशनल न्यूज रिपोर्ट, नेशनल न्यूज रिकॉर्ड, कौन आगे कौन पीछे और आखिर कौन मार रहा है बाजी। नमस्कार।